सबसे पहले मैं आपको गेम ऑफ थ्रोन्स की कुछ बातें बता देती हूँ। जैसे एशिया है या अलग अलग मुल्क है जिसमें इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश वगैरह शामिल है, वैसे गेम ऑफ थ्रोन भी एक अलग दुनिया है जिसका कॉन्टिनेंट यानी सबसे बड़ा किंगडम वेस्टरोस है। इसके अलावा बाकी यहाँ टोटल 7 किंगडम्स राज्य है। हर किंगडम को अपना अपना लॉर्ड संभालता है और इन 7 किंगडम्स को संभालने वाला किंग राजा होता है। अब शुरुआत होती है कुछ नाइट्स को दिखाने से। असल में वेस्टरोस के चारों तरफ एक बड़ी सी दीवार है जो दूसरी तरफ रहने वाले लोगों, जंगली जानवरों और शैतानी ताकतों को यहाँ आने से रोकने के लिए बनाई गई है और ये नाइट्स इस दीवार पर पहरा देते हैं। अब ये नाइट्स फिर दीवार की दूसरी तरफ जाते हैं चक्कर लगाने, जहाँ का अजीब नजारा देखकर वो दंग रह गए क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी लाशें एक डिजाइन में पड़ी हुई थी। लाशों की हालत बहुत खराब थी। फिर अचानक वो लाशें अपने आप ही जिंदा हो जाती है। उनका चेहरा सफेद, आंखें नीले रंग की थी, होंठों पर खून भी लगा हुआ था जिस वजह से वो बहुत डरावनी लग रही थी। तभी यहाँ एक डरावना सा ज़ॉम्बी जैसा दिखने वाला शैतान आ जाता है जिसे ज़ॉम्बी डेमन कहा जाता है, जो आते ही बड़ी बेरहमी से दो नाइट्स को मार देता है। तीसरा नाइट ये देखकर काफी डर गया, फौरन वहाँ से भागकर विंटरफेल आ जाता है जो दरअसल वहाँ का एक किंगडम है और ये किंगडम उस दीवार के सबसे पास वाला किंगडम है। जैसे वो नाइट आगे बढ़ा, यहाँ के सोल्जर्स उसे पकड़ लेते हैं, जिसके बाद यहाँ आई नाइट स्टार जो इस किंगडम विंटरफेल के लॉर्ड है यानी यहाँ की हिफाजत करते हैं, यहाँ के हेड है। नाइट स्टार अपनी तलवार से उस नाइट का गला काट देते हैं क्योंकि नाइट्स के कुछ असूल थे जिसे वो शादी नहीं करेगा, हमेशा नाइट बनकर जिंदगी गुजारेगा और जहाँ रहता है वही रहेगा, कभी वहाँ से भागेगा नहीं। और क्योंकि यहाँ नाइट स्टार को लग रहा था कि वो बगावत कर रहा है, भागा है, इसलिए उन्होंने इस नाइट को मार दिया। अब नाइट स्टार अपने बच्चों के साथ जब वहाँ से जा रही थी, जब रास्ते में उन्हें वुल्फिनी भेड़िए के 6 बच्चे मिलते हैं जिनके माँ बाप वुल्फ को किसी ने मार दिया था। अब नाइट स्टार के खानदान का निशान एक वुल्फ का ही था, इसीलिए वो 6 के 6 वुल्फ के बच्चे अपने बच्चों को दे देते हैं। यहाँ उनके अपने 5 ही बच्चे थे, 2 बच्चे जो जवान थे वो उनके सुतेले बेटे थे जिनमें से एक का नाम जॉन था। अब हमें इन 7 किंगडम का कैपिटल इन्हीं सबसे बड़ा शहर दिखाया जाता है जहाँ किंग भी रहता है। यहाँ किंग की वाइफ अपने भाई जेमी से बात कर रही थी कि किंग का जो राइट हैंड था, इन्हीं किंग का खास आदमी, अचानक किसी वजह से उनकी मौत हो गई है। उधर विंटरफेल में नाइट स्टार की वाइफ उनके पास एक खत लेकर आती है जिसमें लिखा था कि किंग नाइट स्टार के किंगडम आ रहे हैं। हमें एक जगह दिखाई गई जहाँ 2 खास नस्ल के बच्चे रह रहे थे। खास नस्ल इसलिए क्योंकि उनकी कुछ खूबियाँ थी, कुछ ताकतें थी उनके पास, जिनके बाल गोल्डन रंग के थे। दोनों बच्चे जवान थे, बहन भाई थे। इनमें लड़की का नाम डेनेरियस था। इन दोनों के डैड ने काफी सालों तक इन 7 किंगडम्स पर राज किया था, लेकिन फिर कुछ सालों पहले नाइट स्टार और अब जो किंग है उन्होंने मिलकर एक साजिश की। उन्होंने जेमी, जो किंग की वाइफ का भाई भी है, उसे अपने साथ शामिल कर लिया, जिस पर जेमी ने डेनेरियस के डैड राजा को मार दिया क्योंकि वो उनका गार्ड हुआ करता था उस टाइम। और अब अपने डैड का बदला लेने के लिए डेनेरियस का भाई अपनी बहन की शादी किंगडम्स के सरदार से करवाना चाहता है क्योंकि उसका मानना था कि अगर मेरी बहन डेनेरियस की शादी सरदार से हो गई तो उसकी इतनी बड़ी फौज मेरी हो जाएगी, जिसके बाद मैं कैपिटल शहर पर हमला करके सभी किंगडम्स का राजा बन जाऊंगा। उधर किंग नाइट स्टार के किंगडम आ ही जाते हैं। किंग के आते ही सभी लोग इज्जत में उनके सामने झुक जाते हैं। यहाँ हमें किंग की वाइफ का एक और भाई दिखाया गया, लेकिन वो बोना था जिसे राजा की वाइफ खास पसंद नहीं करती थी, लेकिन उनका जो भाई था जेमी वो उसे बहुत प्यार करता था। किंग यहाँ इसलिए आई थी ताकि वो नाइट स्टार को अपना राइट हैंड खास आदमी बना ले। यहाँ हमें पता चला कि किंग नाइट स्टार की छोटी बहन से शादी करना चाहती थी, लेकिन नाइट स्टार के बेटे को ये बात पसंद नहीं आई, इसीलिए उसने अपने डैड की बहन को अगवा करके पहले उसके साथ गलत किया और फिर उसे जान से मार दिया, जिस वजह से किंग को बहुत दुख हुआ। अब किंग नाइट स्टार की बहन से तो शादी नहीं कर सके, लेकिन अब अपने बेटे की शादी नाइट स्टार की बेटी से करवाना चाहते हैं। डेनेरियस की शादी सरदार से हो ही गई, लेकिन सरदार का बर्ताव डेनेरियस के साथ खास अच्छा नहीं था, वो उसके साथ काफी बुरा पेश आता था, लेकिन फिर भी दोनों जिंदगी गुजार ही रहे थे। लेकिन क्योंकि डेनेरियस को सरदार की जुबान समझ नहीं आती थी, इसीलिए वहाँ के लीडर डेनेरियस को 3 तोहफे देता है। पहली चीज थी 3 किताबें जो यहाँ की जुबान की थी, दूसरा था एक आदमी जो अब से डेनेरियस का ट्रांसलेटर बनेगा यानी वो इन लोगों की जुबान का तर्जुमा करके डेनेरियस को बताया करेगा, और तीसरी चीज थी 3 ड्रैगन के अंडे जो काफी बड़े थे लेकिन वक्त के साथ साथ पत्थर जैसे बन गए थे। नाइट स्टार का छोटा बेटा एक खाली पड़े टावर पर चढ़ रहा था जहाँ वो जेमी और उसकी बहन इन्हें किंग की वाइफ को एक साथ बड़ी अजीब हालत में देख लेता है। अब बच्चे किसी को जाकर बता न दे, इसलिए जेमी उसे मारने के लिए टावर से नीचे फेंक देता है। डेनेरियस अपने हस्बैंड सरदार की जुबान सीख रही थी, साथ ही साथ उसकी अपने हस्बैंड से ताल्लुक भी अच्छी हो गई थी। नाइट स्टार का बेटा टावर पर से गिरने की वजह से मरता तो नहीं, लेकिन कोमा में चला जाता है, लेकिन फिर भी नाइट स्टार अपनी दोनों बेटियों को लेकर कैपिटल शहर जा रही थी, जबकि उनका सुतेला बेटा जॉन नाइट बनने के लिए उस बड़ी सी दीवार के पास
पास जा रहा था। अब बोने से किंग का बेटा बदतमीजी करने लगा, जिस वजह से बोने ने उसे 3 थप्पड़ लगा दिए। पास खड़ा हुआ एक आदमी जो दरअसल नाइट स्टार का सोल्जर था, वो सब देख रहा था और इसका चेहरा जला हुआ था। अब नाइट स्टार की वाइफ से मिलने मिनिस्टर आते हैं। गेम ऑफ थ्रोन में मिनिस्टर काफी पढ़े लिखे इंसान को कहा जाता है, जो डॉक्टर साइंटिस्ट सभी का काम करते हैं, और वो इनकी फैमिली के खास मिनिस्टर थे। उनके जाने के बाद जॉन यहाँ आता है, क्योंकि वो भी जाने वाला था। वो यहाँ अपने सुतेले भाई जो कोमा में जा चुका था उससे मिलने आया था। यहाँ हम साफ साफ देख पाते हैं कि नाइट स्टार की वाइफ उसे खास पसंद नहीं करती थी, लेकिन जॉन अपने बहन भाइयों से प्यार करता था, बेशक वो सुतेले ही क्यों ना थे। जिसके बाद में वो अपनी छोटी बहन के पास जाकर उसे छोटी सी तलवार गिफ्ट करता है, क्योंकि वो आम बच्चों जैसी नहीं थी बल्कि खास थी। उसे भी वॉरियर बनना था, बचपन से ही वो बहादुर थी। जिसके बाद जॉन नाइट बनने अपने रास्ते पर और नाइट स्टार अपने रास्ते पर निकलने लगते हैं। जाते जाते जॉन उनसे अपनी मॉम के बारे में पूछता है कि मेरी असल मॉम कहाँ है और वो कौन थी। नाइट स्टार कहती है कि जब तुम सफर से लौटोगे तो मैं तुम्हें तुम्हारी माँ के बारे में बता दूंगा। नाइट स्टार और किंग जब एक जगह बैठी थी तो तभी किंग को एक खत मिला, जिस पर लिखा था कि डेनेरियस और सरदार की शादी हो गई है। जो सुनकर किंग को इतना गुस्सा आया कि वो डेनेरियस को मारने के लिए कहता है, पर नाइट स्टार उनकी इस बात से सहमत नहीं होते और मना कर देते हैं। सफर में जॉन के साथ बोना भी जा रहा था, क्योंकि वो दीवार के पास जा रही थी, इसलिए वो भी दीवार को करीब से देखना चाहता था। यहाँ कुछ क्रिमिनल्स इन्हें मुजरिम भी साथ जा रही थी, क्योंकि वो नाइट बन के साथ जाने वाली थी। अब किंग का बेटा और नाइट स्टार की बेटी आपस में बातें कर रही थी, क्योंकि आगे चल के उनकी शादी होने वाली थी। लेकिन यहाँ किंग का बेटा देखता है कि नाइट स्टार की छोटी बेटी एक गरीब लड़के के साथ तलवार से खेल रही है, जो चीज उसे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। वो अपनी तलवार लेकर उस लड़की के चेहरे पर कट लगा देता है। ये देखकर बच्चे को गुस्सा आ गया, क्योंकि वो गरीब लड़का उसका दोस्त था, इसीलिए वो किंग के बेटे जिसके साथ उसकी बहन की शादी होने वाली थी उसे मारने लगती है। पर वो खुद को छुड़वा कर नाइट स्टार की बेटी को ही नीचे गिराकर उसे मारने लगता है। पर तभी यहाँ बच्ची का वुल्फ आकर किंग की बेटी के हाथ पर काट लेता है, जिससे वो काफी जख्मी हो गया, तलवार भी उसके हाथ से छूट गई। तब नाइट स्टार की बेटी उसकी तलवार फौरन उठाकर तालाब में फेंक कर यहाँ से भाग जाती है। अब नाइट स्टार का बेटा जो कोमा में था उसे मारने के लिए एक आदमी आता है जिसके पास खंजर था। इससे पहले वो बच्ची को नुकसान पहुँचाता, यहाँ नाइट स्टार की वाइफ इन्हीं बच्ची की मॉम आकर उसे रोक देती है, क्योंकि इस वक्त वो यही छुपी हुई थी। वो उस आदमी से उसका खंजर छीन लेती है। तब यहाँ उनका वुल्फ आकर उस आदमी की गर्दन पर काट लेता है, जिससे उसका इतना खून बहता है कि मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। इस वजह से नाइट स्टार की वाइफ को भी अजीब लगने लगा और वो अपने हस्बैंड नाइट स्टार से मिलने के लिए निकल जाती है। अब क्योंकि नाइट स्टार की बेटी की वुल्फ ने किंग के बेटे को काटा था, इसीलिए वो उसे वहाँ से भगा देती है ताकि कोई उसके वुल्फ को मार ना दे। पर सिपाही उसे पकड़कर किंग के पास ले जाती है। यहाँ किंग का बेटा और खुद उसकी बहन झूठ बोल देती है कि इसके वुल्फ ने किंग के बेटे को बिना बात के ही काटा है। वो ये नहीं बताते कि किंग के बेटे ने भी काफी बुरा किया था। वो अपनी बहन को झूठ बोलता हुआ देखकर नाइट स्टार की छोटी बेटी काफी गुस्से में आ जाती है, इसीलिए वो अपनी बहन को मारने लगती है। तो यहाँ किंग सजा सुनाती है कि नाइट स्टार की छोटी बेटी का जो वुल्फ है उसे मार दिया जाए, पर क्योंकि उसने तो पहले अपने वुल्फ को भगा दिया था तो किंग कहती है तो फिर उसकी बड़ी बहन की वुल्फ को मार दो। इसीलिए अब नाइट स्टार खुद जाकर अपनी बड़ी बेटी की वुल्फ को मार देते हैं। कुछ ही देर में नाइट स्टार कैपिटल शहर पहुँच जाते हैं, जहाँ उन्हें मिलने के लिए कौंसिल बुलाया जाता है। यहाँ उनकी मुलाकात किंग के भाई एक लॉर्ड जो सारा बिजनेस संभालते हैं उनसे और एक रिपोर्टर लॉर्ड से होती है, जिन्होंने अलग अलग जगह पर अपनी खबरें छोड़ी हुई थी, जो सारी जानकारी लाकर किंग को देती है। एक बूढ़ा आदमी भी उनसे मिलता है जो यहाँ के मास्टर है। अब डेनेरियस को पता चलता है कि वो माँ बनने वाली है और उसका जो ट्रांसलेटर है वो सारी खबरें किंग तक पहुँचाता है। कद के जरिए उसने किंग को बताया था कि डेनेरियस की शादी सरदार से हो गई है। जॉन भी दीवार के पास पहुँच गया था, जो यहाँ नए बनने वाले वॉरियर्स योद्धा को तलवारबाजी सिखा रहा था। उसके अंकल इन्हें नाइट स्टार के भाई उसे बताते हैं कि मैं दीवार की दूसरी साइड पर जा रहा हूँ, क्योंकि मैं एक रेंजर हूँ और एक रेंजर ही चक्कर लगाने छानबीन करने दीवार के उस पार जा सकता है। अब विंटरफेल में नाइट स्टार के उस बेटे की आंख खुल जाती है जो कुमा में चला गया था। होश में आने पर उसे पता चलता है कि मेरी दोनों टांगे खराब हो गई है। उसे तो ये तक याद नहीं था कि मुझे टावर से गिराया किसने था। नाइट स्टार की वाइफ कैपिटल शहर पहुंच जाती है, जहां उनके हस्बैंड थे। वो यहां आकर लॉर्ड से मिली, जिसके साथ वो बचपन में रहा करती थी। बचपन में ये लॉर्ड उन्हें पसंद करता था। नाइट स्टार की वाइफ को लगता है कि वो आज भी मुझे पसंद करता है, इसीलिए वो उस पर गुस्सा करती है, क्योंकि वो तो उसे अपना छोटा भाई समझती थी। अब थोड़ी ही देर में यह नाइट स्टार भी आ जाती है। उनकी वाइफ उन्हें वो खंजर दिखाती है, जिसके जरिए उस आदमी ने उनके बेटे पर हमला करने की कोशिश की थी। ये खंजर बहुत ही खास और महंगे स्टील से बना था। इस स्टील को गेम ऑफ थ्रोन में बहुत कीमती माना जाता है। यह लॉर्ड बताता है कि ये खंजर तो बोने का है, यानी किंग की वाइफ के भाई का। पर इन चीजों में ज्यादा ना पड़े, इसलिए नाइट स्टार अपनी वाइफ को वापस
किंगडम विंटरफेल भेज देते हैं। साथ ही नाइट स्टार्क अपनी छोटी बेटी को तलवारबाजी सिखाने के लिए उसके पास तलवारबाज को भेजते हैं, जो आज उसे तलवारबाजी सिखाएगा। नाइट स्टार्क की छोटी बेटी जो अभी कोमा से बाहर आया था, उसे एक सपना आता है जिसमें वो तीन आंखों वाले परिंदे को देखता है, लेकिन तभी अचानक उसकी आंख खुल जाती है। उसके सामने सुतेला भाई खड़ा था, जो उसी नाइट स्टार्क के बड़े बेटे के पास ले जाने आया था, और क्योंकि वो बच्चा अभी चल नहीं सकता था तो उसे उठाने वहाँ एक आदमी को बुलाया जाता है। अब कैपिटल शहर में एक टूर्नामेंट निमकाकर रखा गया था, क्योंकि नाइट स्टार्क यहाँ के किंग की राइट हैंड खास आदमी बन गई थी, जबकि खुद नाइट स्टार्क जाकर एक बूढ़े आदमी से मिलते हैं, क्योंकि वो यहाँ सबसे पुराने किंग की राइट हैंड, जो बाद में खुद भी किंग बन गई थी, उसके बारे में जानने आई थी। जब वो बूढ़ा आदमी बताता है कि किंग की वो राइट हैंड हमेशा एक किताब पढ़ा करते थे, जो किताब वेस्टरोस की तारीख के बारे में है। ये कहकर बूढ़ा आदमी उनके सामने वो किताब भी लेकर आता है, जिसे नाइट स्टार्क भी पढ़ने लगती है, क्योंकि वो जानना चाहते थे कि आखिर किंग की वो राइट हैंड इस किताब में इतने दिलचस्पी क्यों लेती थी। फिर नाइट स्टार जाकर एक लड़के से मिलते हैं, जो कि राइट हैंड भी इससे बहुत मिलने आया करती थी। यहाँ उसके चेहरे को देखकर नाइट स्टार को पता चलता है कि ये लड़का अब वाले किंग का सुतेला बेटा है। खैर टूर्नामेंट शुरू हो जाता है, जहाँ एक जले हुए सोल्जर का भाई और तलवारबाज एक दूसरे के मुकाबले में आते हैं। इनका मुकाबला था कि दोनों ने एक दूसरे को घोड़े पर से गिराना है, और जो भी पहले घोड़े से गिर गया वो हार जाएगा, जिसने गिराया होगा वो जीत जाएगा। अब यहाँ जले हुए सोल्जर का भाई बहुत खतरनाक था, क्योंकि अपने भाई का चेहरा इसने ही जलाया था। जैसे उनका मुकाबला शुरू हुआ, सोल्जर का भाई तलवारबाज की सीधा गर्दन पर रॉड देकर मारता है, जिससे वो इतना जख्मी हो गया कि फौरन नीचे गिर जाता है। तेजी से उसका खून बहने लगा, जिस वजह से तलवारबाज की वहीं मौत हो जाती है। नाइट स्टार की वाइफ जब विंटरफेल जाने के लिए निकलने लगी, तो वहाँ उन्हें बोला दिख जाता है, इसीलिए वो अपने सिपाहियों को कहकर उसे पकड़वा लेती है। अब टूर्नामेंट में अगला मुकाबला एक प्रिंस राजकुमार और जले हुए सोल्जर के भाई के बीच में था। जैसे मुकाबला शुरू हुआ, तलवार मारकर प्रिंस उसे बड़ी आसानी से नीचे गिरा देता है। अब क्योंकि सोल्जर का भाई हार गया था, इस वजह से उसे इतना गुस्सा आया कि वो फौरन खड़ा होकर प्रिंस को मारने लगा। अपने भाई की इस हरकत पर जले हुए सोल्जर को बहुत गुस्सा आया, वो जल्दी से मैदान में आकर अपने भाई को रोकता है, उससे लड़ने लगा। ये चीज देखकर किंग को बहुत गुस्सा आया, वो फौरन उठ खड़े हुए, चिल्लाकर उन्हें लड़ाई बंद करने को कहते हैं। तब सोल्जर का भाई गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। नाइट स्टार जब रिपोर्टर लॉर्ड से बात करती है, तो यहाँ उन्हें बहुत बड़ी जानकारी मिलती है। रिपोर्टर लॉर्ड बताते हैं कि सबसे पहले किंग की राइट हैंड, जिसके बारे में अब जानकारी इकट्ठा कर रही है, उनकी मौत कुदरती तौर पर नहीं हुई थी, बल्कि उन्हें जहर देकर मारा गया था। नाइट स्टार की बेटी बिल्ली का पीछा करते करते एक काफी बड़े केव घर में आ गई थी, जहाँ उसे ड्रैगन के बहुत बड़े बड़े स्केलेटन ढांचे पड़े मिलते हैं, क्योंकि जो नाइट स्टार का खानदान है वो ड्रैगन पर सवारी कर सकते हैं, उन्हें कंट्रोल कर सकते थे। पर हेरन अभी तक यहाँ कोई ड्रैगन दिखाई नहीं दिए थे। अब किंग एक काउंसिल बिठाती है, जिसमें वो नाइट स्टार को भी बुला लेती है, और फौरन डेनेरियस को मारने का हुक्म देती है, क्योंकि उन्हें खबर हो गई थी कि वो माँ बनने वाली है। इसीलिए उन्हें डर था कि वो अपने और बाकी किंगडम्स के साथ मिलकर कैपिटल शहर पर हमला कर सकती है। पर नाइट स्टार इस बात की मुखालफत करती है। जब किंग उनकी बात नहीं मानते, जिद पर अड़े रहे, तो वो अपने किंग के राइट हैंड वाला ओहदा छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। वो सामान तय करके निकलने ही वाले थे कि तभी उनके पास लॉर्ड आता है, जो उन्हें एक औरत से मिलवाता है, जिससे मरने से पहले किंग की राइट हैंड भी मिली थी, और ये औरत अब वाले किंग के सुतेले बेटे की माँ थी। इस जैसे नाइट स्टार ये पता लगाना चाहती थी कि आखिर किंग की वो राइट हैंड अब वाले किंग के सुतेले बेटे में इतनी दिलचस्पी क्यों दिखा रही थी। कैपिटल शहर में जेमी नाइट स्टार को अपने सोल्जर की मदद से घेर लेता है, क्योंकि वो जान चुका था कि मेरे बोने भाई को नाइट स्टार की वाइफ ने अगवा कर लिया है। अब जैसे ही नाइट स्टार के सिपाही आगे बढ़े, जेमी उनसे लड़ने लगता है। जो भी आगे आ रहा था वो तलवारों से सबको मारता जा रहा था, किसी के सीने में तलवार घुसा कर तो किसी की आंखों में, और ऐसे ही उसने नाइट स्टार के सभी सोल्जर्स को मार दिया और खुद नाइट स्टार से लड़ने लगा। यहाँ उनके बीच काफी देर तक तलवारबाजी चलती रही, लेकिन तभी पीछे से जेमी का सिपाही आकर नाइट स्टार के टांग में तलवार घुसा देता है, जिससे वो इतना जख्मी हो गई कि फौरन वही बेहोश हो जाती है। जब उनकी आंख खुली, तो वो अपने सामने किंग और उनकी वाइफ को पाते हैं। यहाँ उनकी वाइफ नाइट स्टार के बारे में कुछ उल्टा सीधा बोल देती है, जिस बात से गुस्सा होकर किंग उन्हें थप्पड़ मार देती है और नाइट स्टार को दोबारा यहाँ का राइट हैंड बना देती है। डेनेरियस ड्रैगन की अंडे को आग में रख देती है, फिर जैसे उसे उठाने लगी, वह उसकी सर्वेंट आकर खुद अंडा पकड़ लेती है ताकि उसके हाथ न जल जाए। पर हेरिया उसकी सर्वेंट के दोनों हाथ जल जाते हैं, जबकि डेनेरियस को कुछ नहीं होता। जंगल में नाइट स्टार के दोनों बेटे और सुतेला बेटा घोड़े पर सवारी कर रही थी, जिस बीच छोटा बेटा जो कोमा से बाहर आया था वो इनसे अलग हो जाता है, जहाँ तभी कुछ अजीब लोग आकर उसे पकड़ लेते हैं। ये लोग जंगली थे
जो दीवार के उस पार से आए थे। इससे पहले वो बच्चे को पकड़ते या उसके दोनों भाई आकर तीर मारकर जंगली आदमी को तो मार गिराते हैं, लेकिन जंगली लड़की को पकड़कर उसे बंदी बना लेते हैं। उधर बोने को जब सबके सामने पेश किया गया तो वो कहता है कि मेरी तरफ से एक आदमी आपके सिपाही से लड़ेगा, अगर तुम्हें जीत गया तो आपको मुझे छोड़ना होगा। इस बात पर सब मान तो गए, पर वो बोना था लड़ेगा कैसे। सब यही सोच रहे थे और हंस रहे थे जहाँ तभी सामने एक सोल्जर आया जो बोने की तरफ से लड़ने का फैसला करता है। किंग जब शिकार पर थे तो शराब पीने की वजह से उन्हें बहुत नशा चढ़ा हुआ था और उनकी तबीयत खराब भी हो रही थी, लेकिन उनका जो साथी था वो अब भी मुसलसल किंग को शराब पिलाए जा रहा था। जो सोल्जर बोने की साइड से लड़ रहा था वो दूसरे सोल्जर को अच्छा मजा चखाता है। वो काफी मारने के बाद उसकी गर्दन में तलवार घुसा देता है जिससे उसका खून बहुत तेजी से बहने लगता है, जिसके बाद बोने का सोल्जर उठाकर दूसरे सोल्जर को खाई में फेंक देता है। अब क्योंकि वो जीत गया था इसलिए नाइट स्टार की वाइफ को और उनकी बहन को बोने को छोड़ना ही पड़ता है। नाइट स्टार कुछ किताबें पढ़ रही थी जिनसे वो एक बात सोचने लगती है कि इस वक्त के जो किंग हैं उनके खानदान में किसी के भी बाल गोल्डन नहीं होते, खुद किंग के भी नहीं है, उनके काले हैं, लेकिन उनके तीनों बच्चों के बाल गोल्डन हैं, जैसे जेमी के हैं। उधर डिनेरियस का भाई डिनेरियस और उसके हस्बैंड को तलवार दिखाकर डरा रहा था क्योंकि वो चाहता था कि वो दोनों उसे सोने का ताज पहनाएं। इस वजह से डिनेरियस के हस्बैंड को गुस्सा आ गया और वो सोने को पिघलाकर उसे डिनेरियस के भाई के सर पर डाल देता है, जिससे उसका सर पिघलने लगा। उसे इतनी तकलीफ हुई कि मौके पर ही तड़प तड़प कर उसकी मौत हो गई। अब हमें जेमी किंग की वाइफ और बोने के डैड दिखाए जाते हैं जो जेमी के पास आकर उसे अपने बहुत सारे सिपाही देता है और उसे अपने भाई बोने को बचाने के लिए भेज देता है। कैपिटल शहर में नाइट स्टार किंग की वाइफ से कहती है कि मुझे तुम्हारे और तुम्हारे भाई जेमी के बीच की तालुकात का पता चल गया है और जब किंग वापस आएंगे तो मैं इस गलत तालुका उन्हें बता दूंगा। हमें किंग दिखाई गई जो बीमार हालत में बिस्तर पर पड़े थे क्योंकि जब वो शिकार पर गए थे तो वहाँ काफी जख्मी हो गए थे शराब पीने की वजह से, उनकी हालत बिगड़ती जा रही थी। इसीलिए वो अपने पास नाइट स्टार को बुलाते हैं और उनसे एक खत लिखवाते हैं जिसमें वो नाइट स्टार को पूरी जगह का प्रोटेक्टर इन हिफाजत करने वाला बनाते हैं, जिसका मतलब कि जब किंग मर जाएंगे तो नाइट स्टार पूरे किंगडम की हुकूमत को संभालेंगे, फिर जब किंग का बेटा बड़ा हो जाएगा तो थ्रोन इन्हें तखराज गद्दी उसे मिल जाएगी, मतलब अगला किंग उसे बना दिया जाएगा। पर नाइट स्टार किंग के बेटे की जगह थ्रोन की असली हकदार का लिखता है। वो ये नहीं लिखते कि राजगद्दी उसे मिले, बल्कि वो ये लिखते हैं कि जो इसके काबिल होगा, जो इसका हकदार होगा, वही किंग बनेगा। उधर दीवार के पास लॉर्ड कमांडर जो उनको अपना सर्वेंट बना लेता है, जो आज की बात उनकी सेवा करेगा, उनके लिए खाना बनाएगा, जो बात जो उनको काफी बुरी लगी क्योंकि वो एक रेंजर बनना चाहता था। कैपिटल शहर में नाइट स्टार्क लॉर्ड को अपने पास बुलाते हैं, कहने लगे यहाँ के जो शांति वाले लोग हैं, इन जो सुकून रखने का काम करते हैं, उनको बोलो अब वो मेरा साथ दे। इसके बाद नाइट स्टार को थ्रोन वाले कमरे में किंग का बेटा बुलाता है जहाँ उसे पता चल गया था कि मेरे डैड इन्हें किंग मारे गए हैं और अब मैं ही वहाँ का किंग हूँ, इसलिए वो राजगद्दी संभाल लेता है। लेकिन तभी यहाँ नाइट स्टार किंग के गार्ड को किंग का लिखवाया गया आखिरी खत दिखाती है जिसमें लिखा था कि नाइट स्टार इस हुकूमत की प्रोटेक्टर तब तक रहेंगी जब तक कि किंग का बेटा बड़ा नहीं हो जाता और थ्रोन राजगद्दी हकदार को ही मिलेगी। पर किंग की वाइफ इस खत पर सहमत नहीं होती, खत को फाड़ देती है। ये देखकर नाइट स्टार वहाँ खड़े शांति वाले लोगों को किंग की वाइफ और उसके भाई जेमी के बीच के ताल्लुकात के बारे में बता देती है, पर इस बात से शांति वाले लोगों पर उल्टा ही असर होता है। ये सुनकर उन्हें गुस्सा तो आया पर उन्होंने नाइट स्टार के सिपाहियों पर हमला कर दिया, एक एक करके सबके अंदर तलवारें घुसाकर उन्हें मार दिया। जंग का एक माहौल बन गया था वहाँ। साथ ही लॉर्ड जो पहले वफादार था वो नाइट स्टार के साथ गद्दारी करके उनके गर्दन पर तलवार रख देता है। बाहर भी जंग का माहौल था क्योंकि जेमी के गार्ड्स नाइट स्टार के गार्ड्स पर हमला करके उन पर भारी पड़ रहे थे। कुछ गार्ड नाइट स्टार की छोटी बेटी को भी पकड़ लेते हैं, लेकिन उसका तलवारबाज बच्ची को वहाँ से भगा देता है। अब दीवार की दूसरी तरफ से दो लाशें आती हैं, जो लाशें उन नाइट्स की थी जो दीवार की दूसरी तरफ गए थे नाइट स्टार के भाई के साथ। अब तक उनके भाई का भी कोई अता पता नहीं था क्योंकि उनका भी खाली घोड़ा ही वापस आया था। अब लॉर्ड कमांडर जोन को बताती है कि तुम्हारे सुतेले डैड नाइट स्टार को कैपिटल शहर में गद्दार कहकर पकड़ लिया गया है। ये सुनकर जोन को गुस्सा आ गया, अपने डैड को बचाने के लिए वो कैपिटल शहर में जाने की बात करता है, जिस पर लॉर्ड कमांडर उसे नाइट के वादे याद करवाते हैं जिसके मुताबिक एक नाइट की कोई फैमिली नहीं होती और उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि सातों किंगडम्स में क्या हो रहा है। अब दीवार के पास एक लाश अचानक जिंदा हो जाती है जो बहुत भयानक बन गई थी और वो लॉर्ड कमांडर पर हमला कर देती है, पर तभी यहाँ जॉन आ जाता है लॉर्ड कमांडर को बचाने के लिए। वो तलवार से लाश का हाथ काट देता है जो हाथ कट कर नीचे गिर जाता है, फिर वो लाश के पेट में तलवार घुसा देता है पर लाश को कुछ नहीं होता, इसलिए जॉन उसकी तरफ लालटेन फेंककर आग लगा देता है। लाश जल गई, जिस मौके का फायदा उठाकर जॉन लॉर्ड कमांडर को लेकर वहाँ से भाग जाता है। उधर सरदार के बहुत सारे लोग उस पर गुस्सा करने लगे क्योंकि वो डिनेरियस की वो सारी बातें मानने लगा था, लोग बगावत पर उतर गए थे। एक लड़का तो तलवार से डिनेरियस के हस्बैंड पर हमला कर
देता है जिससे उसके सीने पर कट लग जाता है। उसका खून निकलने लगा था। इस बात से उसे इतना गुस्सा आया कि उसने लड़की को गर्दन से पकड़कर उसके गले की हड्डियां तोड़ दी जिससे वो वहीं मारा गया। वो ना अपने साथियों के साथ अपने डैड के पास पहुंचा जहां उसके डैड नाइट स्टार के बेटे के साथ लड़ाई की तैयारियां कर रहे थे और वो अपने बेटे बोनी और उसके साथियों को भी अपने साथ लड़ाई में शामिल कर लेते हैं। किंग का बेटा एक सीनियर सिपाही को बूढ़ा बोलकर उन्हें वहां से रिटायर कर देता है कि अब से तुम हमारे लिए काम नहीं करोगी। जिस बात से सिपाही को इतना गुस्सा आया कि वो खुद ही अपना ओहदा छोड़कर वहां से चला गया जिसके बाद किंग का बेटा उनकी जगह जेमी को दे देता है। अब नाइट स्टार की बड़ी बेटी किंग के बेटे के सामने आकर बैठकर उसे माफी मांगती है ताकि वो उसके डैड नाइट स्टार को छोड़ दे। इस पर किंग का बेटा कहता है कि मैं वादा करता हूं कि मैं तुम्हारे डैड नाइट स्टार और तुम्हें छोड़ दूंगा, लेकिन तब जब तुम्हारे डैड सबके सामने खड़े होकर इस बात को कबूल करे कि वो गद्दार है। नाइट स्टार के बड़े बेटे के पास उसकी मॉम भी आ गई थी क्योंकि वो लोग जंग लड़ने को तैयार थे। उन्होंने अपनी पूरी टीम भी बना ली थी जिन्हें लेकर वह पुल के ऊपर पहुंचते हैं। अब पुल पार करने के लिए उन्हें यहाँ के लीडर की इजाजत की जरूरत थी और जब नाइट स्टार की वाइफ इजाजत लेने जाती है तो लीडर का कहना था कि मैं तुम्हें पुल पार करने की इजाजत तभी दूंगा जब तुम्हारा बेटा मेरी बेटी से शादी करेगा और तुम्हारी छोटी बेटी को भी बड़ी होकर हमारे लड़के से शादी करनी होगी, जिसके लिए वो मान गई। तब लीडर भी पुल पार करने की इजाजत दे देता है। लॉर्ड कमांडर की जो ने क्योंकि जान बचाई थी इस वजह से वो उससे बहुत खुश थी और उसे अपने खानदानी सबसे पुरानी खास लोहे की तलवार देती है इनाम के तौर पर। टेनेरियस के हस्बैंड की छाती पर जहाँ तलवार लगी थी उस वजह से वो इतना जख्मी था कि उसकी हालत खराब हो रही थी। वो इतना कमजोर हो गया कि अपने घोड़े से ही नीचे गिर जाता है जो देखकर उसके लोग उल्टी उल्टी बातें बनाकर गद्दारी करने का सोचते हैं क्योंकि ये लोग उसे अपना सरदार मानते हैं जो ताकतवर हो न कि कमजोर। ये देखकर टेनेरियस वहाँ की एक औरत मिलती है जो जादूगरनी थी क्योंकि जादू वगैरह जानती थी। उसी डिनेरियस अपने हस्बैंड को बिल्कुल ठीक करने का कहती है। जादूगरनी कहती है कि मैं तुम्हारे हस्बैंड को ठीक तो कर दूंगी पर इसके बदले में तुम्हें एक जान देनी पड़ेगी वरना ये मर जाएगा, जिसके बाद वो सरदार के घोड़े को वहाँ बुला कर अपने हाथों से ही उसे मार देती है। अगले दिन जेमी के डैड के कैंप पर हमला हो गया। उन्होंने दूसरी फौज का काफी बहादुरी से सामना करके इस जंग को जीत लिया पर उन्हें पता चला कि तो नाइट स्टार के बड़े बेटे की चाल थी। उसने सिर्फ 2000 सिपाही यहाँ भेजे थे हमले करने के लिए ताकि उनका ध्यान भटके और खुद वो जाकर जेमी को पकड़ ले। वो तभी बिल्कुल ऐसा ही है। नाइट स्टार का बेटा जेमी के सिपाही को बड़ी आसानी से हरा कर आखिर में जेमी को भी पकड़ लेता है, उसे जख्मी करके बंदी बना लेता है। कैपिटल शहर में नाइट स्टार अपनी बेटियों को बचाने के लिए किंग के बेटे की बात पर राजी हो जाती है और सबके सामने आकर खुद को गद्दार मान ही लेते हैं। पर किंग का बेटा जो बहुत बेईमान था वो वादा खिलाफी कर देता है, अभी भी उन्हें माफ नहीं करता बल्कि अपने सिपाही को कहकर उनका सर कलम करवा देता है इसलिए कि वो गद्दार है और इस तरह उनकी मौत हो जाती है। भीड़ में खड़ी ये सब कुछ नाइट स्टार की बेटी भी देख लेती है। उसे बहुत दुख हुआ पर तभी उसके अंकल उसे भीड़ में से साइड में ले जाकर उसके बाल काट देते हैं ताकि कोई उसे पहचान न सके और उसकी जान बच जाए। नाइट स्टार की बेटी और उसकी वाइफ को भी पता चल गया था कि किंग के बेटे ने उन्हें मरवा दिया है, जिस बात से दोनों को काफी दुख हुआ। उसका बेटा तो गुस्से में और दुख में जैसे पागल हो गया था। अब नॉर्थ के सारे सिपाही नॉर्थन एरिया को बाकी किंगडम से अलग कर देते हैं और अब यहाँ का नया किंग वो नाइट स्टार की बेटी को बना देते हैं। टेनेरियस का बच्चा मरा हुआ पैदा होता है क्योंकि ये सब कुछ उस जादूगरनी ने किया था, जिस वजह से उसका बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ लेकिन उसके हस्बैंड की जान बच गई। टेनेरियस जब अपने हस्बैंड के पास जाती है तो उसकी सिर्फ आंखें ही खुली थी, ना वो बोल सकता था ना ही हिल सकता था, यानी वो बिल्कुल एक जिंदा लाश की तरह था। पता चलता है कि ये सब कुछ उस जादूगरनी ने जानबूझ के किया था क्योंकि उसका हस्बैंड यहाँ के लोगों को परेशान किया करता था। अब क्योंकि वो जिंदा लाश था तो ना चाहते हुए टेनेरियस उसके ऊपर तकिया रख के खुद उसे जान से मार देती है, फिर उसकी लाश को जलाने की सारी तैयारियां कर लेती है। वो ड्रैगन के अंडों को भी आग में रख देती है और खुद भी उसमें बैठ जाती है। काफी टाइम के बाद जब आग बुझ गई तो लोग वहाँ चेक करने के लिए आए, जहाँ हम बड़ा ही हैरान करने वाला सीन देखते हैं। आग की वजह से उसके सारे कपड़े जल गए थे पर टेनेरियस को जरा भी कुछ नहीं हुआ था और तो और उसके तीनों अंडों में से ड्रैगन निकल कर बाहर आ गए थे जो टेनेरियस के कंधे पर आकर बैठ जाते हैं। ये देखकर ट्रांसलेटर काफी हैरान रह गया। वो और कुछ लोग वहाँ टेनेरियस के सामने घुटनों के बल बैठ गए, उसके सामने झुक जाती है क्योंकि वो जान गए थे कि डिनेरियस बहुत खास है। और इसी के साथ पहला सीजन इधर ही खत्म हो जाता है।